नमस्कार दोस्तों, आपका GKT20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक एक, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक दो, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तीन। प्रश्न क्रमांक तीन, भारत के प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किस द्वारा गठित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान द्वारा गठित है। प्रश्न क्रमांक चार, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। प्रश्न क्रमांक पांच, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही इनमें से किनको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और HD देवगौड़ा को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रश्न क्रमांक छह, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। प्रश्न क्रमांक सात, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न क्रमांक आठ, निम्न में से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। प्रश्न क्रमांक नौ, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। प्रश्न क्रमांक 10, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता इनमें से किसमें निवास करती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री में। प्रश्न क्रमांक 12, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो निम्न में से क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कितनी ही बार।
प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रश्न क्रमांक 16, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्न सदन में बहुमत दल का। प्रश्न क्रमांक 17, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से प्रधानमंत्री कौन बनता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। प्रश्न क्रमांक 19, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न क्रमांक 20, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से किसने दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न क्रमांक 22, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में से भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। प्रश्न क्रमांक 24, लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। प्रश्न क्रमांक 25, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न क्रमांक 26, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न क्रमांक 27, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। प्रश्न क्रमांक 28, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1987 में। प्रश्न क्रमांक 29, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 30, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू।